अब खेलते खेलते ही डेवलपमेंट होता है इंसान का, और इसलिए मुझे बचपन में संघ की शाखाओं में खेलों के द्वारा टीम स्पिरिट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना क्या होता है, ये खेल है संघ में, बहुत बढ़िया खेल है, वो परंपरागत खेल है, कोई संघ वालों ने ढूंढे ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बहुत काम आते हैं। दूसरा, मैं योगा से ज़्यादा जुड़ गया फिजिकल एक्टिविटी ग्रुप में कहे तो, लेकिन मैं इंडिविजुअल खेल के बजाय ग्रुप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप करते हैं। जो इंडिविजुअल खेल होता है वो आपको एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट करता है, वो गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अलग प्रकार का करता है। टीम के अंदर खेलने से अलग प्रकार का होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको साथ चलना पड़ता है, आपको किसी की लीडरशिप पूरा करनी होती है, आपको सबॉर्डिनेट को संभालना होता है। तो ज़िंदगी जीने के लिए ग्रुप वाले गेम्स खेलने चाहिए। ओके, इंडिविजुअल कितना ही हम बड़े चल जाएं, लेकिन ग्रुप वाले खेल ज़रूर खेलना चाहिए, ये मेरा मत रहता है।